तो मूवी की शुरुआत सेकेंड मूवी के रेफरेंस को देते हुए होती है, जिसमें बताया जाता है कि रेबेका ने अपनी सिस्टर मिशेल को राडू और मम्मी के चंगुल से छुड़ा लिया है। ये दोनों जेल से बाहर निकलने लगते हैं, पर बाहर सूरज की रोशनी होने के कारण मिशेल जेल से बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि वो एक वेम्पायर है। रेबेका उससे कहती है, मैं तुम्हारा रात होने तक बाहर वेट करूंगी। मिशेल जेल के अंदर जाने लगती है, पर तभी उसे मम्मी आकर पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। मूवी यहीं से आगे बढ़ती है। रेबेका अपनी सिस्टर मिशेल का जेल के बाहर वेट कर रही है। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है तो वो कार से एक स्वेटर निकाल कर उस स्वेटर को खून वाले कपड़ों से रिप्लेस कर देती है। अब रेबेका को एक फोन चाहिए ताकि वो फोन करके मदद बुला सके। वो फोन को ढूंढते हुए एक बार में आती है। बार में मौजूद सभी लोगों की नजर रेबेका पर होती है। खैर, रेबेका बार के ओनर से बात करके फोन का अरेंजमेंट कर लेती है। वो पुलिस इंचार्ज और मेल को बुलाती है। सीन मम्मी पर आता है, जो मिशेल के ब्लड से राडू को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है। पुलिस इंचार्ज अपनी टीम को लेकर जेल में आ जाता है। उन्हें वहाँ पर कुछ स्केलेटन से मिलते हैं जो कब्र से यहाँ पर लाए गए हैं। इसके अलावा एक अधिकारी को प्रोफेसर की डेथ बॉडी भी मिलती है, जिसे पिछली मूवी में मम्मी ने मारा था। पुलिस इंचार्ज प्रोफेसर की ऐसी हालत देखकर हैरान था। रेबेका और मेल पुलिस इंचार्ज के पास आते हैं। प्रोफेसर की डेथ बॉडी को जेल से बाहर लाया जाता है। मेल प्रोफेसर की डेथ बॉडी को देखता है, वो भी प्रोफेसर की ऐसी हालत देखकर हैरान था। रेबेका पुलिस इंचार्ज से मिशेल के बारे में पूछती है। पुलिस इंचार्ज गुस्से में कहता है, हमें ना तो मिशेल मिली, ना तो राडू और ना ही तुम्हारी विच। भी वहाँ पर मेल आता है। मेल पुलिस इंचार्ज से बात करने के लिए उसे दूर ले जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। इसी दौरान रेबेका जेल के अंदर चली जाती है मिशेल को ढूंढने। रात हो चुकी है, मिशेल जागती है और हमें पता चलता है कि राडू फिर से तीसरी बार या फिर दूसरी बार जिंदा हो गया। ये मरता क्यों नहीं? मिशेल राडू को सॉरी बोलती है। राडू कहता है, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। रेबेका को मिशेल की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है कि तभी उस पूरे जेल में कहीं से धुआं आने लगता है। पुलिस देख कर जेल से बाहर आने लगती है। रेबेका भी यही काम करती है, वो भी पुलिस के पीछे बाहर आने लगती है। मिशेल, राडू और मम्मी ये तीनों जेल को छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पुलिस और रेबेका जेल के बाहर आ जाते हैं। जेल से धुआं बाहर निकलने लगता है। पुलिस इंचार्ज बॉम्ब स्क्वाड बुलाने को कहता है। मेल को अब रेबेका की बातों पर विश्वास हो जाता है, पर पुलिस इंचार्ज को नहीं, क्योंकि वो एक पुलिसमैन है। राडू, मिशेल और मम्मी वाडीलास केसल में आ जाते हैं। मम्मी कभी यहाँ की रानी हुआ करती थी। फर्स्ट मूवी में मैंने बताया था कि वाडीलास की दो पत्नियां थी, जिसमें से एक मम्मी थी। अगर ये मूवी देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कार से मेल रेबेका को होटल में ड्रॉप करने आता है। रेबेका क्योंकि डरी हुई है तो वो मेल से कहती है, क्यों ना तुम आज की रात मेरे साथ रहो। मेल रेबेका की बात मान लेता है क्योंकि कोई भी लड़का अपनी क्रश को मना नहीं कर सकता। ये दोनों होटल में जाते हैं। हमें राडू और मिशेल दिखाए जाते हैं। राडू मिशेल को नी के बल बैठने को कहता है। मिशेल नी के बल बैठ जाती है। मिशेल ने राडू की अधीनता स्वीकार कर ली है। राडू मिशेल को पिंजरे में कैद कर लेता है, जैसे फर्स्ट मूवी में वाडीलास ने राडू को किया था। मिशेल राडू से कहती है, तुम मुझे पिंजरे में कैद नहीं कर सकते हो, ये हमारी डील में नहीं थी, मुझे यहाँ से निकालो। राडू कहता है, मैं तुम्हें पिंजरे से आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें बनना होगा मेरे जैसे। मिशेल और राडू के बीच एक डील हुई है, जिसके तहत राडू मिशेल को वेम्पायर्स की खूबियां सिखाएगा, पर इसके लिए मिशेल को राडू की अधीनता स्वीकार करनी होगी, जो कि मिशेल ने कर ली है। पर पिंजरे में कैद रहने की बात डील में नहीं थी, तो इस बात के बदले में राडू कहता है, मिशेल तुम्हें सबसे पहले मेरा विश्वास जीतना होगा। और एक कहकर राडू वहां
वहाँ से चला जाता है। राडू परछाई बनकर होटल में आता है। ये होटल वही है जहाँ पर सेकंड मूवी में रेबेका और मिशेल रुके थे। राडू रेबेका के पास आने लगता है, पर रेबेका के साथ मेल होने के कारण राडू को वहाँ से जाना पड़ता है। अब क्योंकि राडू शिकार पर निकला है तो राडू भी लाइक आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। सीन एक रेंडम लड़की पर आता है जो कहीं जा रही है। राडू की नजर उस लड़की पर है, तभी राडू परछाई बन कर आता है और उस लड़की को ले जाता है। राडू उस लड़की को मिशेल के पास लाता है और मिशेल के सामने उसका खून पीता है। मम्मी पिंजरे से मिशेल को फ्री करती है। राडू उसके सामने उस लड़की को रखता है। और व्यूअर, हम आपके सामने हमारे सब्सक्राइबर रखते है जो की कितने कम है, इन्हें बढ़ा दो प्लीज, क्योंकि आप इस चैनल के प्रोड्यूसर हो। मिशेल आगे बढ़कर उसका खून पीती है। फिर एक राडू की परीक्षा थी मिशेल के लिए, जिसमें मिशेल पास हो जाती है। सुबह के सीन में राडू मिशेल को अपने कॉफिन में लाता है और फिर ये दोनों वहां पर सो जाते हैं। व्यूअर, आप यहां पर एक बात याद रखना कि राडू मिशेल के प्यार में है। रेबेका और मेल प्रोफेसर के ऑफिस में आते हैं। प्रोफेसर की सेक्रेटरी रो रही होती है, जिसे रेबेका चुप कराने लगती है। मेल उसके ऑफिस से किंग वाडिलाज की पुस्तक और वैम्पायर्स को मारने के साधन चुरा लेता है। फिर ये दोनों कार से प्रेजमेर शहर की ओर आते हैं, जहां पर वाडिलाज कैसल है। पुलिस इंचार्ज अपने अधिकारियों के साथ वाडिलाज कैसल के आसपास होता है। उसे इस केस को जल्दी से खत्म करना है। रेबेका और मेल वाडिलाज कैसल की तरफ आते है। पुलिस इंचार्ज की नजर उन पर जाती है, उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। ये दोनों पुलिस इंचार्ज के पास आते हैं। मेल इंचार्ज को बताता है कि बस हम दोनों यहाँ पर घूमने आए हैं। रेबेका और मेल पुलिस इंचार्ज से कुछ बातें करके वाडिलाज कैसल की तरफ आते हैं। ये दोनों वाडिलाज कैसल में पीछे के रास्ते से जाने वाले हैं। ये रास्ता वही है जो सेकेंड मूवी में प्रोफेसर ने दोनों को बताया था। अगर व्यूअर ये वाली मूवी आपको देखनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये दोनों अंदर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस इंचार्ज आ जाता है। पुलिस इंचार्ज जितना बुद्धू दिखता है उतना बुद्धू है नहीं। वो कहता है, बिना परमिशन के तुम दोनों तो क्या, मैं खुद इस केसल में नहीं जा सकता, पर मुझे ये केस जल्दी से खत्म करना है। ये तीनों केसल में आते हैं। पुलिस इंचार्ज एक स्केलेटन में से सेफ्टी के लिए तलवार निकाल लेता है। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं, परंतु आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता है। अब यह काम आपको उस राडू का होता है, क्योंकि सेकंड मूवी में मेल रेबेका और प्रोफेसर इसी रास्ते से केसल में आए थे और राडू को इन तीनों के बारे में पता चल गया था। तो राडू ने दूरदृष्टि का सहारा लेते हुए पीछे के रास्ते से और कोई दाखिल ना हो, इसीलिए उसने इस रास्ते को बंद कर दिया। ये तीनों केसल से बाहर आ जाते हैं। पुलिस इंचार्ज मेल से कहता है, सुबह होते ही हम दोनों मिलेंगे ताकि बिग बॉस यानी कि मेरे सीनियर से बात कर सके। मेल कहता है, ठीक है। रात हो चुकी है। मेल और रेबेका एक जगह पर आते हैं। ये जगह एक तरह से होटल होती है। रेबेका और मेल होटल रूम में जाते हैं। यहीं पर पुलिस इंचार्ज भी होता है, जो ड्रिंक करके वहां से जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर मेल की कार पर जाती है। वो रेबेका को भी देख लेता है तो पुलिस इंचार्ज अपनी कार में बैठकर रेबेका पर नजर रखने लगता है। सीन राडू और मिशेल पर आता है। राडू इस बार मिशेल को परछाई के रूप में चलना सिखाता है। जरा देखिए, अब बारी शिकार करने की है। सीन वालियन वादक पर आता है। सभी लोग मिशेल को देखने लगते हैं। मिशेल वालियन वादक को देखने लगती है। वादक मिशेल की ओर आता है। मिशेल उससे लुका छुपी खेलने लगती है। वादक उसे ढूंढने लगता है। उसे अपनी मौत यानी कि मिशेल मिल जाती है। वो मिशेल को देखकर भागने लगता है, पर राडू उसे पकड़ लेता है। वो उसका खून पीता है। तभी वहां पर एक गाड़ी
गाड़ी आती है, उससे एक लेडी बाहर आती है। उसे लगा कि मिशेल को मदद चाहिए। मिशेल उसके पास आती है। वो लेडी मिशेल के दांतों को देखकर हैरान थी कि तभी वहाँ पर राडू आकर उस लेडी को पकड़ लेता है। सवेरा होने वाला है। मिशेल सूर्य उदय देख रही है। वहाँ पर राडू आता है और कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिशेल राडू से पूछती है, क्या वाकई में सूरज की रोशनी हमें जला सकती है? राडू कहता है हाँ। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मेल फोन पर बॉब से बात करता है। वो उसे अपनी मदद के लिए बुलाता है। गांव के लोग पुलिस इंचार्ज से बात कर रहे हैं, क्योंकि गांव से दो लोग गायब हो गए। रेबेका और मेल कार से वाडिलास केसल के पास आते हैं। ये दोनों वाडिलास केसल की तरफ आते हैं। पुलिस इंचार्ज भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। हमें बॉब दिखाया जाता है, ये तो एक सोल्जर है। मेल बॉब से सभी का इंट्रो कराता है। मेल और बॉब का प्लान क्या है? तो मेल और बॉब का प्लान है कि बॉब और मेल ये दोनों वाडिलास केसल में जाएंगे। रेबेका और पुलिस इंचार्ज वाडिलास केसल के बाहर रहेंगे। बॉब अपने साथ एक काले रंग की थैली लाया है, जो पूरी तरह से किसी को भी प्रकाश की रोशनी से बचा सकती है। इसके अलावा वो एक गन भी लाया है, जो सिल्वर बुलेट से भरी हुई है, जो कि रेबेका अपने पास रखती है। बॉब और मेल केसल के ऊपर आते हैं। ऊपर वाले नीचे वालों से वायरलेस रेडियो के जरिए बात करेंगे। बॉब और मेल ये दोनों एक रूम में आते हैं। यहाँ रेबेका से एक गलती हो गई। वो उन दोनों को बताना भूल गई कि मम्मी दिन में सोती नहीं है। रेबेका ये बात वायरलेस पर बताने लगती है, पर बॉब अपना वायरलेस रख लेता है। बॉब और मेल ये दोनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें किसी लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये दोनों उस ओर आते हैं। मम्मी लेडी का हाथ काटने वाली है। बॉब उसे रुकने को कहता है, और ये बात मम्मी को पसंद नहीं आती। मम्मी चाकू बॉब की तरफ फेंकती है, जो बॉब के हेड में लगता है। गुड शॉट मम्मी, और बॉब वहीं गिर जाता है। अब बारी रेबेका के आशिक मेल की थी। मेल उस पर गोलियां चलाता है, पर क्योंकि हमारी मम्मी आयरन मैन है, तो उन पर गोलियां कोई खास असर नहीं छोड़ती। इधर गोलियों की आवाज रेबेका सुन लेती है। रेबेका वायरलेस पर हाई हेलो बोलने लगती है। मम्मी बॉब का वायरलेस लेकर हंसने लगती है, जिससे रेबेका की डॉट 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 जाती है। क्या जाती है, कमेंट करके बताइए। वैसे आप रेबेका का रिएक्शन देख सकते हो। पुलिस इंचार्ज भागकर अपनी कार के पास आता है। वो वायरलेस से मदद बुलाने लगता है, पर उसका वायरलेस इस एरिया में काम नहीं करता। मम्मी वायरलेस को लेकर उसे उस जगह पर रखती है, जहाँ कभी ब्लड स्टोन हुआ करता था। रात हो चुकी है। रेबेका और पुलिस इंचार्ज मिशेल को केसल से बाहर लाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें पुलिस इंचार्ज को झाड़ियों में छिपकर रेबेका को प्रोटेक्ट करना है, और रेबेका वायरलेस के जरिए मिशेल से बात करने की कोशिश करेगी। मिशेल जागती है। राडू से एक हार पहनाता है और फिर उसे अपनी लव बाइट देता है। वैम्पायर्स का प्यार जताने का तरीका बड़ा ही अजीब है, पर अच्छा है। सीन मेल पर आता है, जो एक पिंजरे में कैद है। उसके साथ एक लेडी भी होती है। हमारी प्यारी मम्मी उन पर नजर रखी हुई है। यार जो भी हो, मम्मी का मेकअप काफी अच्छा है। वो दिखती भी काफी बढ़िया है। मुझे तो मम्मी की एक्टिंग से प्यार हो गया। और व्यूअर, हमारे बीच भी प्यार बढ़ता रहे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तभी वहाँ पर राडू और मिशेल आते हैं। मम्मी मिशेल के गले में हार को देखकर कहती है, ये मेरा है, ये मुझे दे दो। मिशेल मना कर देती है। वैसे मम्मी को मिशेल पहले से ही नापसंद थी, और मम्मी को लगता है कि मिशेल के कारण उसका सगा बेटा राडू उससे दूर हो रहा है। अब राडू भी मिशेल की सारी बातें मानने लगा था, इसीलिए मम्मी मिशेल को मारने लगती है। पर राडू बीच में आ जाता है। वो मिशेल के लिए अपनी प्यारी मम्मी को मार देता है, और मारता भी काफी भयानक तरीके से है। ऐसे तो अपने दुश्मन को भी कोई न मारे। एक्चुअली राडू किसी का सगा नहीं हुआ। उसने अपने सगे पिता वाडिलास को भी मारा, और तो और अपने सौतेले भाई स्टीफन को भी मारा, और अब मम्मी को भी मार दिया। इसे ही शास्त्रों में कुटुंब नाशक कहा गया है। मिशेल उसे रुकने को भी कहती है, पर राडू नहीं रुकता है। वो अपनी मम्मी की गर्दन उसके
शरीर से अलग करके उसे जला देता है। मेल मिशेल से बात करने की कोशिश करता है। मिशेल मेल के पास आती है। मेल कहता है, मुझे रेबिका ने भेजा है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तभी वहाँ पर राडू आता है। वो मिशेल को मेल का खून पीने को कहता है। वो कहता है, तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए। मिशेल मेल का खून पीने लगती है कि तभी रेबिका वायरलेस के जरिए मिशेल से बात करने लगती है। मिशेल को रेबिका की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज दूसरे वायरलेस से आ रही थी, जिसे मम्मी ने छुपा कर रखा था। राडू उस वायरलेस को ढूंढ कर उसे नष्ट कर देता है। मिशेल विंडो से रेबिका को देख लेती है। रेबिका भी उसे देख लेती है। मिशेल राडू से कहती है, मुझे उससे बात करनी है। यहाँ पर ये दोनों एक और डील करते हैं। ये डील थी कि राडू रेबिका को नहीं मारेगा और बदले में मिशेल राडू को अपना प्यार देगी। मिशेल रेबिका के पास आती है। पुलिस इंचार्ज सतर्क हो जाता है। रेबिका मिशेल से गले मिलती है। रेबिका कहती है, तुम बहुत ठंडी हो, क्या तुम मर चुकी हो? बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। राडू पुलिस इंचार्ज के पास आकर उसे मार देता है। सो सेड, हमारा एकमात्र कॉमेडी किरदार भी मारा जाता है। मिशेल रेबिका से कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ। रेबिका मना करने लगती है। तभी वहाँ पर राडू आता है। रेबिका पुलिस इंचार्ज को आवाज लगाती है। राडू कहता है, वो मर चुका है। तभी रेबिका सिल्वर बुलेट्स वाली गन से राडू को डराने लगती है। और क्या राडू डर भी जाता है। बाबू भैया की आवाज में, क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर, रेबिका राडू को गन पॉइंट पर लेकर केसल में आती है। रेबिका मेल और लेडी को छोड़ने को कहती है। राडू मेल और लेडी को पिंजरे से फ्री कर देता है। यहाँ पर राडू भ्रम में था कि मिशेल उसका साथ देगी, वो अपनी सिस्टर और बाकी के लोगों को मार देगी, क्योंकि राडू ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। पर मिशेल ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो अपनी सिस्टर से गन लेकर उसकी सारी चांदी की गोलियां राडू में उतार देती है। उसे भी तो अपने दोस्तों का बदला लेना है, और सबसे ज्यादा अपने आशिक स्टीफन का। मिशेल ब्लडस्टोन लेती है। ये सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। सूर्य उदय हो रहा है। मिशेल कमजोर पड़ने लगती है, पर फिर भी रेबिका अपनी सिस्टर का साथ नहीं छोड़ती। ट्रू सिस्टर लव। राडू भी उनके पीछे होता है। चांदी की गोलियों ने राडू को कमजोर बना दिया है। इन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मिशेल की तबीयत खराब होने लगती है। तभी रेबिका काली थैली निकालती है और मेल और रेबिका उसे काली थैली में डाल देते हैं। राडू वहाँ पर आ जाता है। वो उनसे ब्लड स्टोन मांगता है। रेबिका वो ब्लड स्टोन लेकर उसे राडू से दूर फेंक देती है। राडू ब्लड स्टोन की ओर जाता है, पर वो सूरज की रोशनी के सामने एक्सपोज हो जाता है। वो जलने लगता है। वो जलते हुए केसल से नीचे गिर जाता है। वो एक सूखे पेड़ पर आकर गिरता है। क्या लगता है, राडू इस बार तो पक्का मर गया होगा, है ना? मेल और रेबिका मिशेल को कार की डिक्की में रख देते हैं और ये तीनों कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रेबिका से यहाँ पर एक और गलती हो गई। उसे ब्लड स्टोन अपने साथ ले जाना चाहिए था, ताकि मिशेल को पीने के लिए खून मिल सके। राडू के शरीर से कुछ खून की बूंदे नीचे गिरती है। वो बूंदे म्यूटेट होकर बोने जीवों में बदल जाती है। वो बोने जीव ब्लड स्टोन के पास आते हैं। ब्लड स्टोन से एक रोशनी बाहर निकलती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।